फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है ये व्हाट्सएप से रिलेटेड है कि आप व्हाट्सएप को कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में व्हाट्सएप चलाने की ए टू जेड नॉलेज दी है, और वो भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। ठीक है, चाहे वो आप न्यू बिगिनर हो जिन्होंने अभी अभी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हो, या आप व्हाट्सएप पहले से चला रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दिए हुए हैं। तो व्हाट्सएप में कैसे मैसेज करना है, कैसे वीडियो फाइल भेजनी है, कैसे जीएफ, कैसे ऑडियो फाइल भेजेंगे, व्हाट्सएप मैसेज को कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, कितने टाइम तक डिलीट कर सकते हैं, और अगर टाइम ओवर हो गया है तो उसके बाद भी आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल फोटो कैसे लगा सकते हैं, और स्टेटस कैसे अपडेट कर सकते हैं, स्टेटस कैसे लगा सकते हैं, स्टेटस में कैसे को कैसे एडिट कर सकते हैं, कोई आपको फालतू मैसेज भेज रहा है तो आप कैसे उनको ब्लॉक कर सकते हो, अनब्लॉक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और व्हाट्सएप में आप कैसे ग्रुप बना सकते हैं, कैसे ग्रुप के लिंक भेज सकते हैं, तो ये सारी की सारी नॉलेज मैंने आपको आज अपने इस वीडियो में दी है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप न्यू बिगिनर्स हो, चाहे आप पहले से व्हाट्सएप चला रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ओके फ्रेंड, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड अभी मोबाइल स्क्रीन पे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप को कैसे रन करते हैं, व्हाट्सएप के बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए, ये मेरा व्हाट्सएप का आइकन है, मैं इसे व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए इस प्रकार से इसका पेज ओपन हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल फोटो लगाना सिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, प्रोफाइल फोटो क्या होती है? ठीक है, आपने कोई व्हाट्सएप देखा होगा तो व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि जैसे किसी के नाम के आगे ये सर्कल लगा होता है। ठीक है, सर्कल में ही देखिए फोटो दिखाई दे रही होती है। ठीक है फ्रेंड, इस फोटो को कैसे लगाते हैं सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ये व्हाट्सएप का स्क्रीन है आपका, ऊपर देखिए राइट साइड में थ्री डॉट है। ठीक है फ्रेंड, थ्री डॉट में आप यहाँ पे जाएंगे, थ्री डॉट में जाने के बाद आप इसमें नीचे सेटिंग है। ठीक है, सेटिंग में जैसे ही जाएंगे आप तो ऊपर ये देख सकते हैं ये नाम मेरा है और यहाँ पे प्रोफाइल फोटो नहीं लगा रखी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल फोटो लगानी है, तो प्रोफाइल फोटो लगाने के लिए आपको इस सर्कल में क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इस सर्कल पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, तो देखिए इस प्रकार से ये सर्कल बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस सर्कल में ही आपको अपनी फोटो लगानी है। तो फोटो के लिए आप इसे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देखिए दो प्रकार के ऑप्शन पूछता है, आप कैमरे से लाइव अपनी फोटो खींच के लगाना चाहते हैं या फिर जो आपकी मोबाइल की गैलरी है उसमें से। तो हम अभी खींचेंगे नहीं, हम गैलरी में से ही चलते हैं। ठीक है, गैलरी पे आप क्लिक कीजिए। गैलरी पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी जो मोबाइल की गैलरी के जितने फोटोज वगैरह होंगे सारे शो कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही देखिए ये फोटो आपकी आ जाएगी सामने। तो इस फोटो को आपको बड़ा या छोटा करना है, या फिर आपको इस फोटो में सिर्फ इसकी सर लगानी है, या फिर मुंह लगाना है, या कुछ भी लगाना है, आप उस हिसाब से इस सर्कल को जो ये सर्कल दिखा राउंड में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसे सिर्फ अपने फेस को दिखाना चाहता हूँ, या मैं अपने पूरी बॉडी को दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सेट करने के बाद आप यहाँ पे डन पे नीचे जो ये डन लिखा है, डन पे जाके इसे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने किया ये मेरा प्रोफाइल फोटो सेट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, अब जो भी आपके फ्रेंड वगैरह होंगे ये आपकी प्रोफाइल फोटो देख सकते हैं, ये अब आपकी प्रोफाइल फोटो हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप इस प्रोफाइल फोटो को बाद में डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, कोई और प्रोफाइल फोटो लगाना चाहते हैं, तो आप दोबारा से इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड, ये आपका पूरा फोटो ओपन हो गया। तो आप ऊपर एडिट में जाइए, देखिए ऊपर एक पेंसिल दिखाई दे रही होगी, पेंसिल का चिन्ह बना हुआ। जैसे ही उस पेंसिल पे जाएंगे आप, तो देखिए क्लिक करने के बाद नीचे ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, गैलरी, कैमरा एंड रिमूव फोटो। तो यहाँ से आप अपनी फोटो को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे ही मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रोफाइल फोटो रिमूव। तो अब यहाँ से प्रोफाइल फोटो आपकी रिमूव हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा से उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये प्रोफाइल फोटो तो लगाना आपने सीख लिया। इसके बाद ये देखिए नीचे एक नाम होता है, ठीक है, जो आपका पर्सनल नाम जो देना होता है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये यहाँ पे पेंसिल का निशान है, यहाँ पे इसे दबाइए, दबाने के बाद उसी तरीके से जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पे क्लिक करते ही देखिए ये आपका नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे अबाउट है, अबाउट में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, जैसे अवेलेबल, बिजी, एट स्कूल, जो भी आप लिखना चाहते हैं
मैं अभी काम पे हूँ, एट वर्क, बैटरी, तो ये आपकी अबाउट के बारे में आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहता हूँ तो मैं यहाँ पे बिजी पे क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है, और जैसे ही मैं बैक जाऊंगा तो ये देखिए मेरे अबाउट में बिजी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो व्हाट्सएप का जो लिखा हुआ वो लिख उसे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो अपना पर्सनल कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, और ये नीचे आपके फोन नंबर को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो फ्रेंड, प्रोफाइल फोटो के बारे में आपने पूरा सीख लिया, प्रोफाइल फोटो कैसे लगाना है, कैसे नाम लिखना है, कैसे अबाउट आपको कैसे अपने बारे में सेट करना है। और उसके बाद चलिए वापिस चलते हैं। वापिस चलने के बाद फ्रेंड देखिए, प्रोफाइल फोटो लगाने के बाद एक सबसे बड़ा काम जो व्हाट्सएप का है, जो मेन काम है, वो है मैसेज सेंड करना, वीडियो सेंड करना, फोटो इमेज सेंड करना। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपने अभी अभी व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है तो आपको नीचे की साइड पे इस तरह का ग्रीन बटन बना हुआ आएगा, बट ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी किसी को मैसेज नहीं किया है। जैसे जैसे आप मैसेज करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इस फ्रंट पे उनका नाम शो होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उनका नंबर नाम दोनों शो होता जाएगा। तो फ्रेंड मैंने इन लोगों को मैसेज किया हुआ है, तो यहाँ पे ये ऊपर फ्रंट में शो हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं आपको मैसेज करना सिखाता हूँ। जैसे मैं इस बंदे को मैसेज कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है, उसे जिसको मैसेज करना हो आप उसे क्लिक कीजिए, इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये नीचे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसी बॉक्स के थ्रू मैसेज किया जाता है। ठीक है, मैसेज किया जाता है या फिर कोई फाइल वगैरह यहाँ पे लगाई जाती है, कोई भी इमेज या फोटो वगैरह जो भी है वो यहीं से होता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉगिंग हो रही है डंडा टाइप का। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैसेज यहाँ से ऐसे टाइप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और जैसे ही आप इस पर ये जो ब्लू कलर का तीर का निशान है इस पर क्लिक करेंगे, ये मैसेज उस बंदे के पास चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इसके बाद अगर आप कोई इमेज वगैरह, कोई वीडियो फाइल वगैरह, कोई ऑडियो फाइल वगैरह भेजना चाहते हैं तो इसी बॉक्स में देखिए यहाँ पे राइट साइड में ये बना हुआ निशान आ रहा है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट कैमरे से या फिर गैलरी से या फिर कोई ऑडियो फाइल वगैरह कुछ भी। तो चलिए हम गैलरी पे चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस प्रकार का ओपन हो जाएगा गैलरी का सारा, इसमें इमेज, फोटो, ऑडियो, वीडियो सब कुछ इसमें शो हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, मान लीजिए इसमें आपको कुछ भी भेजना हो तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये भेजना है, ठीक है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते ही देखिए ये फोटो, ये इमेज, जो भी आपको भेजना है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद ये नीचे इस फोटो पे आपको कुछ लिखना है तो नीचे उसी तरीके से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, टाइप करने के बाद अगर कुछ स्पेशल इमोजी वगैरह इसमें लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे इस प्रकार के अवेलेबल है। ठीक है, इस तरीके से, तो मान लीजिए मैं ये लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद आप अपने इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऊपर देखिए जैसे ही आप जाएंगे क्लिक करेंगे इसमें तो देखिए क्रॉप का ऑप्शन आता है कि आप किस इसको कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किस साइज में भेजना चाहते हैं, किस लेवल में भेजना चाहते हैं, उस फोटो या इमेज को आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डन कर सकते हैं नीचे से, तो देखिए ये डन हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इस पर कुछ स्पेशल कुछ अपनी स्टाइलिश कुछ लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे हाथ से पकड़ के, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना भी चाहते हैं तो ऊपर ये टी का बटन है, इस पर क्लिक करके इसमें कुछ लिख सकते हैं इस फोटो पे, इमेज पे। ठीक है, और नीचे जो राइट का बटन है इस पर राइट कर दीजिए तो इस पूरा का पूरा इस फोटो पे इमेज पे लिख जाएगा। ठीक है, और अगर आप कुछ हाथ से आप लिखना चाहते हैं तो ऊपर देखिए पेंसिल का बटन है, इस पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हाथ से इस पर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको अपने फोटो या इमेज को कैसे एडिट करना है या फिर बिना एडिट करे आप सेंड करना चाहते हैं तो नीचे आप नॉर्मली आप ये जो ब्लू कलर का बटन है, ठीक है, और इसमें तीर का निशान है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका इमेज सेंड हो चुका है। और सेंड करने के बारे में मैं आपको बताऊं कि सेंड किया हुआ चीज़ आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने जिसे भेजा है उसने देखा या नहीं देखा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी सेंड करते हैं और अगर सिंपल राइट का निशान है तो ये मान के चलिए ये अभी व्हाट्सएप के सर्वर पे है। ठीक है, ये अभी उसके पास पहुंचा ही नहीं है। जैसे ही इसमें डबल बट देखिए अब ये डबल हो गया, यानी कि ये
ये उस बंदे के पास पहुंच चुका है, ठीक है, बट उसने अभी देखा नहीं है, ठीक है, यानी कि उसका जो नेट ऑन है और उसके पास ये पहुंच चुका है और बट उसने अभी देखा नहीं है, ठीक है फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, अगर ये ब्लू हो गया तो इसका मतलब कि उस बंदे ने आपकी फोटो, इमेज, वीडियो जो भी आपने सेंड किया है उसे देख लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो इससे आपको पता चलता है कि मेरी फोटो भेजी हुई चीज बंदे को मिली नहीं मिली, मिली तो उसने देखी कि नहीं देखी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं नीचे क्लिक करके, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने कोई चीज, मान लीजिए आपने कोई गलती से कोई मैसेज भेज दिया, ठीक है फ्रेंड, तो आप उस मैसेज को हटाना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी लड़के को भेज रहे थे, किसी लड़की को भेज दिया, लिखना कुछ चाह रहे थे लिख दिया, कुछ किसी और को भेजना चाह रहे थे किसी और को भेज दिया, तो फ्रेंड इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप का एक नया रूल है, मैं आपको बताऊं, कोई भी आप मैसेज, जो भी आपने मैसेज भेजा है और फाइल वगैरह भेजी है, उसे आप 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकंड के अंदर अंदर आप उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसने देख लिया तब तो कोई फायदा ही नहीं, बट उसने नहीं देखा है तो आप 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकंड के अंदर अंदर उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। वो मैसेज उसके व्हाट्सएप ऊपर से उसके स्क्रीन पे नहीं शो होगा और वहां से डिलीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। जैसे ये मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, हेलो, तो इस पे आप बटन पे, इस पे जो लिखा है उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही देख रहे ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर आपको यहाँ पे ये डब्बा बना हुआ है, ये डब्बा डिलीट का ऑप्शन होता है। देखिए जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट फॉर मी, कैंसल एंड डिलीट फॉर एवरीवन। डिलीट फॉर एवरीवन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये मान के चलिए वो मैसेज डिलीट हो जाएगा, चाहे वो मैसेज हो या कोई वीडियो हो या ऑडियो। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको चैटिंग करना और फोटो वीडियो भेजना और डिलीट कैसे कर सकते हैं, डिलीट को किस प्रकार से किसी मैसेज को या वीडियो किसी चीज को भी आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, ये सारा का सारा मैंने बता दिया है। और कैसे आपको पता चलेगा कि बंदे ने आपकी मैसेज या वीडियो को देखा नहीं देखा, इस तरीके से अगर ब्लू लाइट चल जाती है तो इसका मतलब कि उस बंदे ने आपके इस मैसेज को या वीडियो को देख लिया है, ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद में आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड कि जैसे आप वापस आएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक कॉल का ऑप्शन होता है, ठीक है, इस कॉल पे आप जाएंगे तो आप नीचे किसी भी बंदे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जो ये फोन का निशान बना आ रहा है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे, आप किसी को भी यहाँ से कॉल कर सकते हैं, बट ठीक है फ्रेंड, किसी भी बंदे को सेलेक्ट करके। और मान लीजिए आपने किसी को चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहीं से आप किसी को कॉल करना है तो आप यहां से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ऊपर देखिए अगर ऑडियो कॉल करना है तो ये, अगर वीडियो कॉल करना है तो ये। व्हाट्सएप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्टेटस का, जो कि ये व्हाट्सएप का न्यू फीचर है और बहुत ज्यादा मतलब ये चल रहा है स्टेटस। तो ये क्या स्टेटस क्या होता है और स्टेटस कैसे यूज होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आप स्टेटस, चलिए पहले स्टेटस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये कुछ स्टेटस मेरे पास आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर अपना स्टेटस अपलोड करेंगे, अगर डालेंगे तो इसी तरीके से आपके जितने फ्रेंड लिस्ट में मेंबर्स होंगे उनके पास इसी तरीके से आपका स्टेटस चला जाएगा। स्टेटस क्या होता है मैं बताऊं, स्टेटस एक्चुअली कुछ किसी चीज के बारे में आप किसी को जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है, मेरा बर्थडे है तो मैं अपने बर्थडे के बारे में किसी को कुछ लिखना चाहता हूँ, या फिर मैंने बर्थडे मनाया तो अपनी कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, या मैं कहीं घूमने गया उसके बारे में कुछ, या मैं कोई स्पेशल चीज, या फिर कोई शेर सवारी, आजकल बहुत कुछ मतलब कुछ भी आप अपने स्टेटस में डाल सकते हैं और इस स्टेटस को सेट कर सकते हैं कि कितने लोग आपके इस स्टेटस को देखें, सभी देखें या कौन देखे या कौन नहीं देखे, ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टेटस कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो माई स्टेटस में आपको ऊपर जाना है, ये प्लस का जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड इसी प्रकार से आपकी गैलरी में जितने भी फोटोज, वीडियोज वगैरह, जितना भी जो कुछ भी पड़ा हुआ, ये सारा का सारा यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए सारा का सारा शो होने लगेगा। तो यहाँ से आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, इस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इसी प्रकार से पेज ओपन हो गया है कि आप यहाँ से इसे शॉर्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, मतलब जैसा चाहें उस हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ पे आप कुछ लगाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं उसी प्रकार से, ठीक है फ्रेंड। और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं,
ठीक है। और उसी प्रकार से अगर कुछ स्पेशल अपने हैंड से कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब लिखने के बाद, और अगर कुछ नीचे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके लिख सकते हैं कुछ भी चीज़। तो ये सारा का सारा जैसे आप मैसेज करते हैं उसी हिसाब से है। और यहाँ पे जो ग्रीन बटन है इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो ब्लू बटन है ब्लू बटन पे क्लिक करते ही ये देखिए आपकी स्टेटस में अपडेट होने लगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से आप देखिए, जैसे ही मैं स्टेटस पे क्लिक करूँगा अपने, तो ये देखिए ये मेरा स्टेटस है, ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट के पास चला हुआ, जो मेरे व्हाट्सएप में जो मेरे नंबर में होंगे मोबाइल में। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी मैं अपने इस स्टेटस में कोई वीडियो फाइल डालना चाहता हूँ तो नीचे देखिए ये ग्रीन कलर का जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए। ग्रीन कलर का बटन क्लिक करने के बाद दोबारा से वही उसी प्रकार से आपकी गैलरी के सारी चीज़ें शो हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। कोई भी आप वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही देखिए ये ओपन होगा, तो इसमें मैं आपको बता दूँ वीडियो फाइल जो होती है ये जो भी स्टेटस में डाली जाती है वो ओनली 30 सेकंड का ही लेता है, ठीक है फ्रेंड। 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं लेगा ये ऊपर जो सेलेक्ट करने का आ रहा है, ठीक है। बट आप इसे 30 सेकंड से ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन आपको कई बार इसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नहीं तो अगर आप एक एक बारी में अगर कोई वीडियो डाल रहे हैं तो उसका 30 सेकंड की ही क्लिप ये लेता है, ठीक है। और उसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। ये देखिए मैं इसे छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं सेट कर सकता हूँ इसे, और ऊपर से उसी हिसाब से मैं कुछ स्पेशल लगाना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ अपने हाथ से लिखना चाहता हूँ, तो ये सारा मेरे वीडियो में शो होगा। नीचे कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से आप अपना वीडियो को सेंड कर सकते हैं। तो देखिए मेरे स्टेटस में जो है ये मेरा वीडियो भी सेंडिंग हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये स्टेटस जो है ये 24 घंटे के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये स्टेटस चलता रहे, मैं और इसमें कुछ ऐड करता रहूं, तो 24 घंटे से पहले पहले आप अपने स्टेटस में कुछ और ऐड कर दीजिए, तो ये स्टेटस आपका चलता रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो वरना ये 24 घंटे के बाद अपना स्टेटस अपने आप चला जाता है, फिर आप दोबारा स्टेटस डाल सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप व्हाट्सएप पे स्टेटस को अपडेट डाल सकते हैं, चाहे वो इमेज हो, फोटो हो, या फिर कोई वीडियो हो। वीडियो 30 सेकेंड से कम 30 सेकंड तक का ही लेगा, लेकिन अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का डालना है तो उसको कई बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये स्टेटस है, ठीक है। आपने कुछ स्पेशल स्टेटस डाला है, आप चाहते हैं कि कुछ ही लोग इसे देखें, तो देखिए राइट साइड में ऊपर 3 बटन है ऊपर, ठीक है, 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो स्टेटस प्राइवेसी पर आप जैसे ही जाएंगे ऊपर, तो देखिए हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट, यानी कि कौन मेरे स्टेटस के अपडेट को देख सकता है मेरे कॉन्टैक्ट पे। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग देखें तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि सभी लोग देखें तो माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब कि ये दो बंदों को छोड़ के, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट लगा देंगे नीचे ग्रीन पे, तो यानी कि इन दोनों बंदों को छोड़ के बाकी सभी लोग देख लेंगे। बट आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं कुछ लोगों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, 2 या 4 लोगों को ही दिखाना चाहता हूँ, तो उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसने 2 या 3 लोगों को, ठीक है, और उसी तरीके से नीचे राइट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये अपनी सेटिंग में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, किनको दिखाना है किनको नहीं दिखाना है। उसके बाद ये नीचे ग्रीन पे डन कर दीजिए, डन करते ही आपका स्टेटस उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो आपने अपनी सेटिंग में चेंज किया है, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड व्हाट्सएप में एक चीज होती है ग्रुप, ग्रुप जो आजकल बहुत चल रहा है। ग्रुप ये होता है कि कोई बंदा 2 या 4 लोग अपने स्टूडेंट के ग्रुप हैं, स्टूडेंट के फ्रेंड हैं, या गली के फ्रेंड हैं, या मेरे ऑफिस के फ्रेंड हैं, या मेरे जो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ उनके फ्रेंड हैं। तो क्या होता है कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि जो भी चीज़ हम शेयर करें वो हमारे ग्रुप में सभी के पास जाए, ठीक है। मैं जैसे ही उस ग्रुप में मैसेज डालूँ तो वो मैसेज मेरे सभी दोस्तों के पास चला जाए, जितने भी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं या फिर मेरे कंपटीशन वाले दोस्त हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं, ये ग्रुप बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चल रहा है ये। तो मैं आपको ग्रुप क्रिएट करना ही बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप राइट साइड में ऊपर 3 डॉट पर जाएंगे तो 3 डॉट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर एक ऑप्शन आता है न्यू ग्रुप का, ठीक है। आपको न्यू ग्रुप पर क्लिक करना है। न्यू ग्रुप पर क्लिक करने के बाद ये सारे के सारे आपके कॉन्टैक्ट के लिस्ट इसमें आ जाएंगे। आप किसको कौन से तुम आपके कॉलेज के फ्रेंड हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, ये मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, और ये भी मेरा फ्रेंड है, नहीं मेरा ऊपर वाला फ्रेंड नहीं है, तो मैं इसे दोबारा क्लिक करके हटा दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए ये भी मेरा फ्रेंड है और
ये भी मेरा फ्रेंड है, ठीक है, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया ग्रुप में। देखिए अगर किसी को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं मान लीजिए मैं किसी को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ से क्रॉस कर सकता हूँ, इस बंदे को हटाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए हट गया, ठीक है। अब मेरे ग्रुप में 3 मेंबर है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है इसे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपका नाम पूछ रहा है कि आप अपने ग्रुप का क्या नाम रखना चाहते हैं, तो मैं अपने ग्रुप का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ग्रुप। तो ये मेरा ग्रुप क्रिएट हो गया, इसमें 3 मेंबर हैं और मैं राइट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे ही आप राइट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ये ग्रुप जो है ये क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट का, ठीक है फ्रेंड। स्टूडेंट में आप जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे आपके ग्रुप की सारी लिस्ट दिखाई दे रही है, 1, 2, 3। तो फ्रेंड ये ग्रुप है, और यू यानी कि मैं बिजी जिसने अपना ये अबाउट लिखा था, ठीक है, मैं ग्रुप एडमिन हूँ, ठीक है। जो भी ग्रुप एडमिन होगा ये यहाँ पे शो होता रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जब जो भी आप ग्रुप क्रिएट करते हैं उसमें ग्रुप एडमिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आप अगर अपने इस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं तो वो ग्रुप एडमिन ही कर सकता है, या फिर इसमें से किसी बंदे को हटाना चाहते हैं तो वो ग्रुप एडमिन ही कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। अगर ये 2 या 3 बंदे चाहें तो आपके किसी भी ग्रुप इस ग्रुप को डिलीट नहीं कर सकते, या फिर इसमें से किसी मेंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरीके से आपने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, और जैसे ही मैं इस ग्रुप में कोई मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे सभी दोस्त जो जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनके पास ये चला जाएगा, ठीक है। ये मैसेज मेरे सभी ग्रुप मेंबर के पास चला गया। तो फ्रेंड आजकल, तो फ्रेंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि हम व्हाट्सएप तो चलाते हैं बट यार उसमें व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फेक मैसेजेस आते हैं, ठीक है। आपने मतलब बिना मतलब के मैसेजेस आने लगेंगे, कोई आपने किसी को ऐड कर रखा है उल्टे सीधे मैसेज भेजेगा, कोई लड़का है लड़की है, मतलब कोई भी किसी प्रकार से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो मैं आपको बताऊं कि आप की व्हाट्सएप ने एक फैसिलिटी दे रखी है, अगर आप किसी से परेशान हैं तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा परेशान है तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये कैसे करना है, मान लीजिए कि मैं इस बंदे से परेशान हूँ, ठीक है, ए से। तो जैसे ही आप जिस बंदे से परेशान हैं आप उस बंदे को क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए 3 डॉट का ऑप्शन आता है, ठीक है। 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे देखिए इसमें अगर आप चाहते हैं कि 2 या 4 घंटे के लिए मैसेज ना आए, मतलब आप ये नहीं चाहते कि ब्लॉक करें बट आप बिजी हैं 2 या 4 घंटे के लिए इसका मैसेज ना आए, ठीक है। कोई लड़का है या लड़की है परेशान है यार किसी लड़के से, यार 2-4 घंटे मैसेज मत करो, तो म्यूट नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए म्यूट नोटिफिकेशन फॉर 8 hours, 1 week, 1 year, कितने दिनों के लिए आप इसे म्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उसे म्यूट कर सकते हैं, बट आप इसे परमानेंट ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप जाइए ऊपर, ऊपर जाने के बाद नीचे मोर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। मोर पे क्लिक करते ही देखिए इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, रिपोर्ट ब्लॉक। अगर आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट पे क्लिक करके रिपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक पे क्लिक कीजिए। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद ब्लॉक कॉन्टेक्ट विल नॉट लॉन्गर बी एबल टू कॉल यू, ठीक है, ना ही आपको कॉल कर सकता है एंड कोई मैसेज नहीं भेज सकता, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ से रिपोर्ट एंड ब्लॉक दोनों कर सकते हैं। तो रिपोर्ट और ब्लॉक तो नहीं, मैं सीधे ब्लॉक ही करना चाहता हूँ यार, क्यों बेचारे की शामत ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि व्हाट्सएप जो है बहुत ज़्यादा लोगों को बैन कर रहा है, ठीक है। बैन करने का कारण यही है कि बहुत से लोग जो हैं, जैसे मेरा अकाउंट है, मुझे बहुत लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर रखा है, तो व्हाट्सएप उसे बहुत संदिग्ध समझता है, ठीक है, कि मतलब क्यों इतने लोगों ने उसके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रखी है। तो बहुत ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, तो इसी वजह से किसी की रिपोर्ट करना बहुत ही गलत है। अगर आप उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो तो ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कैसे आप ब्लॉक को अनब्लॉक कर सकते हैं अगर व्हाट्सएप ने आपको ब्लॉक कर रखा है। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे ही वो वीडियो अपलोड होता है मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पास आ जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड आपने ब्लॉक करना भी सीख लिया, बट आप चाहते हैं कि यार नहीं मैं अब उसे अनब्लॉक कर दूँ बेचारे को, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप उसी तरीके से ऊपर जाइए, ऊपर जाने के बाद मोर पे जाइए, मोर पे जाने के बाद जैसे ही आप देखेंगे इसमें जिसको ब्लॉक किया होगा उसी लिस्ट में आपका एक अनब्लॉक का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं अनब्लॉक करूँगा तो ये बंदा अपने आप अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग आपने सीख ली, और इसके बाद देखिए सब कुछ तो मैंने बता दिया, बट मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताना चाहता हूँ। ये होता है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाली है वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, या फिर आपने जो
लास्ट सीन का मतलब ये होता है कि किस समय मैं व्हाट्सएप खोला, ये किसी को पता ना चले, मैं ये होता है कि यार लोग डरते हैं कि मेरे पापा ना देख लें कि इस बंदे ने व्हाट्सएप कब खोला, मेरे लड़के ने व्हाट्सएप कब खोला, मेरी लड़की ने कब व्हाट्सएप खोला, ठीक है कब देखा, क्या टाइम है, ये दिन भर व्हाट्सएप खोल रहा है नहीं खोल रहा, या आप किसी से छुपाना चाहते हैं कि किसी को ना पता चले कि मैंने व्हाट्सएप कब खोला। चलिए तो फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए आपको उसी तरीके से ऊपर सेटिंग में ऊपर जाना पड़ेगा, थ्री डॉट पे, थ्री डॉट पे जाने के बाद देखिए नीचे सेटिंग पे आपको आना है, ठीक है। सेटिंग पे जैसे ही आप आएंगे तो देखिए अकाउंट में जाना है, वो अकाउंट में जाने के बाद ये देखिए प्राइवेसी में जाना है, वो प्राइवेसी में जाने के बाद हु कैन सी माई पर्सनल इन्फो, ठीक है, कौन मेरे पर्सनल इन्फो को देख सकता है, जो मैंने जैसा मैंने आपको बताया लास्ट सीन, यानी कि वही जो मैंने बताया टाइमिंग लिखा हुआ है उसे कितने लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एवरीवन केवल कॉन्टैक्ट के लोग नोबडी, नोबडी पे क्लिक करते ही नोबडी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड उसके बाद देखिए प्रोफाइल फोटो, प्रोफाइल फोटो जो मैंने अपना फ्रंट पे लगाया हुआ है, प्रोफाइल फोटो को आप कैसे मतलब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि इस प्रोफाइल फोटो को केवल मेरे कॉन्टैक्ट के लोग ही देखें, ठीक है, जो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या फिर सभी लोग देख सकते हैं, या फिर कोई भी ना देखे, तो उसके लिए उसी तरीके से आप प्रोफाइल फोटो में जाके एवरीवन का मतलब आपको कोई भी देख सकता है, चाहे वो आपके मोबाइल में उसका उसका नंबर हो या ना हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, या फिर केवल मेरे कॉन्टैक्ट जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या फिर नोबडी कोई भी। तो जैसे मैं नोबडी पे क्लिक करूँगा तो कोई नहीं, वैसे मैं एवरीवन पे क्लिक कर देता हूँ तो एवरीवन सभी के पास चला जाएगा, ठीक है, सभी मेरे प्रोफाइल फोटो को देख सकते हैं मेरा नंबर डाल के। अबाउट, अबाउट तो मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, उसके बाद देखिए अबाउट में, अबाउट को कौन लोग देख सकते हैं उसी तरीके से आके सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और नीचे देखिए सारे ऑप्शन दिखा रहा है, कितने लोग आपने ब्लॉक किया, ग्रुप एवरीवन, ये सब, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद में एक चीज और बताता हूँ कि ये सब होने के बाद आप अपने व्हाट्सएप को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, परेशान हो गया व्हाट्सएप से, तो उसी तरीके से आप ऊपर जाना है, ऊपर जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद आप उसी तरीके से अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद आप नीचे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड फ्रेंड मैंने व्हाट्सएप के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है, प्लीज़ मुझे जरूर बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर कोई दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप के बारे में, कुछ छूट गया है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है फ्रेंड। कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की, तो फ्रेंड मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो की, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उस बटन को क्लिक करके मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ा रहूं और व्हाट्सएप से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ लेके आऊं तो आपको तुरंत अपडेट मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के द्वारा बहुत से अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसी प्रकार के और भी चीज़ें, कैसे लेटेस्ट अपडेट और कैसे उसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है फ्रेंड। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू।